Hi, हाँ फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। एल्कोहल का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम। एल्कोहल के नेक्स्ट पार्ट में है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। इससे पहले हमने एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब जो है डिस्टिंक्शन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल में। तो पहला जो डिस्टिंक्शन है प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल में, वो हम काय के द्वारा देखते हैं, वो हम देखते हैं विक्टर मेयर मेथड से द्वारा। ठीक है, तो विक्टर मेयर मेथड में हमारे पास ये प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, जैसे ये CH3CH2, ये हमारे पास जनरल अगर हम बात करें तो क्या होगा, इथेनॉल हो गया। ठीक है, तो इथेनॉल की हमने फॉस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, क्या मिला, CH3CH2I इथाइल आयोडाइड। इसकी सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराई, है ना, तो क्या बना हमारे पास, ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन CH3CH2NO2। इसके ऊपर ये हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं HNO2। इसकी रिएक्शन कराई तो इससे क्या निकला, H2 निकला और ये क्या बना, नाइट्रोलिक एसिड। इस नाइट्रोलिक एसिड की हमने KNaOH के साथ रिएक्शन कराई तो क्या मिलता, रेड ब्लड कलर। ठीक है, तो हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी एल्कोहल जो है टेस्ट के बाद कौन सा कलर देते हैं, रेड ब्लड कलर, है ना। द्वारा से देखे एक बार, इथेनॉल था, इथेनॉल की ऊपर रिएक्शन कराई थी टी प्लस फॉस्फोरस प्लस आयोडीन की, CH3CH2I इथाइल आयोडाइड बना था, सिल्वर नाइट्राइड की रिएक्शन करी थी तो हमारे पास क्या बना, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन CH3CH2NO2 नाइट्रो इथेन, या इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। इसके ऊपर HNO2 की रिएक्शन कराई, HNO2 क्या है, एक अनस्टेबल एसिड है, ध्यान रखें, इसको हाल क्या बनाते हैं रिएक्शन के दौरान, जब इसकी रिएक्शन होती है हमारे पास क्या बना, नाइट्रोलिक एसिड, ये हमारे पास KOH या NaOH की ले सकते हैं, उसके साथ करेगा रेड ब्लड कलर। तो प्राइमरी एल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट में क्या देते हैं, रेड ब्लड कलर। अब हम आते हैं काय के ऊपर, सेकेंडरी एल्कोहल के ऊपर। जब हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल में हमारे पास, जब हम सेकेंडरी एल्कोहल के ऊपर रिएक्शन कराते हैं टी प्लस IUPAC, तो हमारे पास ये कंपाउंड होता है CH3CH2, सिल्वर नाइट्राइड रिएक्शन कराई जाती है, तो ये 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन हमें ये मिलता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम काय की रिएक्शन कराते हैं, HNO2 की, HNO2 को मैंने किस फॉर्मेट में लिख के रखा है, HONO, काय के लिए, पानी का मॉलिक्यूल आसानी से एलिमिनेट हो जाए, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये H2 से एलिमिनेट होता है और ये क्या बनता है हमारे पास, CH3CNONO2, इसको हम क्या बोलते हैं, सूडो नाइट्रोल। सूडो मतलब झूठा, जो नाइट्रोल नहीं है, ठीक है, पर नाइट्रोल के समान व्यवहार है ना, जो KOH के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, हमारा ब्लू कलर देता है। अगर ओरिजिनल नाइट्रोलिक एसिड नाइट्रोल होता तो वो क्या देता है, रेड ब्लड कलर, और ये नाइट्रोल नहीं, सूडो, इसको क्या बोलते हैं, सूडो नाइट्रोल, और ये KOH के साथ क्या देता है, ब्लू कलर देता है। टर्शियरी एल्केन एल्कोहल की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है पी प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ये कंपाउंड बनाते हैं CH3CH3CI, सिल्वर नाइट्राइड रिएक्शन होती है तो ये 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन मिलता है, क्या मिलता है, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन मिलता है, और ये 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। यानी विक्टर मेयर टेस्ट के दौरान प्राइमरी एल्कोहल जो है रेड ब्लड कलर देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल ब्लू कलर देते हैं, जबकि टर्शियरी एल्कोहल हमारे पास, अगर हम इसको फर्दर रिएक्शन NaOH या KOH के साथ कराएं तो क्या मिलता है, कलरलेस सॉल्यूशन। एक ही बात है, हालांकि बात यहीं पर समाप्त हो जाती है कि HNO2 के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो ये पहली मेथड थी डिस्टिंक्शन की, विक्टर मेयर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करें। आगे इसका एक नेक्स्ट टेस्ट हम और देखते हैं आगे इसके, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास और वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल बाय ल्यूकास टेस्ट। By Lucas test. Lucas test. Lucas reagent. Lucas reagent क्या होता है?
मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाता है लुकास रिएजेंट। ठीक है, इस लुकास रिएजेंट की अगर हम रिएक्शन कराते हैं गाइस सर टर्शियरी अल्कोहल के साथ, तो ये टर्शियरी अल्कोहल इस लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं और हाल के इमीडिएटली क्या देते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल जो है हमारे पास कुछ समय बाद प्रेसिपिटेट देते हैं, गिव्स प्रेसिपिटेट आफ्टर फ्यू टाइम्स, और प्राइमरी अल्कोहल जो है लुकास रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो ये था हमारे पास दूसरा मेथड जिसके द्वारा हम प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल में अंतर करते हैं, और वो था लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है ना। प्राइमरी अल्कोहल इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते है, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ समय बाद प्रेसिपिटेट देते हैं, और टर्शियरी अल्कोहल जो है इमीडिएटली प्रेसिपिटेट देते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। एक मेथड और देखेंगे, ये थी लुकास रिएजेंट वाली थी दूसरी, पहली थी विक्टर मेयर, नंबर वन थी विक्टर मेयर VM, दूसरी लुकास रिएजेंट। एक मेथड और हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट मेथड है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल में ये हो गया इथेनॉल, CH2OH। इथेनॉल हमारे पास जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बनाता है इथेनॉल, Na2Cr27+H2O4, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बनाता है एसीटल्डिहाइड या इथेनॉल। ठीक है, और ये भी इजीली ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल है वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरी बात इनमें कार्बन का नंबर भी जो प्रोडक्ट मिलते मिलते हैं उनके अंदर कम नहीं होता। जैसे अल्कोहल में दो कार्बन थे इथेनॉल में, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना एसिटिक एसिड उसके अंदर भी कितने कार्बन है, दो कार्बन है। तो प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बन का नंबर जो है वो कम नहीं होता। बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल की, 1, 2, 3 सेकेंडरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, मुश्किल से होते हैं। इनके द्वारा पहले जो बनता है प्रोडक्ट वो कौन बनता है हमारे पास, ये बनता है एसीटोन या एक कीटोन या प्रोपेनोन, एसीटोन बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे या प्रोपेनोन बोलेंगे। ये ऑक्सीडाइज होता है फर्दर जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसमें क्या बनता है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये कॉमन नेम लिखा है, यहाँ पर मैंने IUPAC नेम लिखा है, एक ही चीज नाम अलग अलग, एक कॉमन नेम लिखा है, एक IUPAC नाम लिखा है। सेकेंडरी अल्कोहल से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बन कितने थे 3, जो फाइनल प्रोडक्ट मिला उसमें कार्बन की संख्या क्या हो जाती है हमारे पास कम हो जाती है। तो ये एक बात थी। बात करेंगे टर्शियरी अल्कोहल की, टर्शियरी अल्कोहल ये 1, 2, 3 टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना। और ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारे पास पहले क्या बनाते हैं कीटोन और फिर एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इसमें भी हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें कार्बन का नंबर कम रहता है काइस से एल्कोहल से। तो ये एक मेथड और थी हमारे पास नंबर थर्ड, और वो क्या है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्शियरी एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन मेथड। पहली हमने देखी थी विक्टर मेयर मेथड, दूसरी देखी थी लुकास रिएजेंट, एंड थर्ड वन जो है हमारे पास वो जो है ऑक्सीडेशन मेथड। ये तीन मेथड, इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में डिफरेंस पता कर सकते हैं। इसको आप देखिए, कोई भी आपको डाउट आता है आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको मुझे कॉल कर सकते हैं।